हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड बेंचर क्लासेस। होप आप लोगों ने कल का एक्सरसाइज देखा होगा, सम्स भी सॉल्व की होंगी। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं जो कि है सॉल्व एग्जांपल्स। अगेन इसमें आपको एक्स एंड वाई ही ढूंढना है, बट इज डिफरेंट एंड दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज यू नो, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन ओमिटेड था, तो श्योर एंड शॉर्ट इस ईयर इसमें से कुछ ना कुछ तो सम्स गारंटीड आएंगे। ओके, सो नाउ मार्क मार्क क्या, मैं तो आपको इसमें के सभी सम्स सिखाने वाली हूँ, तो जितना आज हो सकेगा आज वो हम कंप्लीट करेंगे और बाकी जो है कल करेंगे। फाइन। सो आवर फर्स्ट जो पेज नंबर 17 पर जो सॉल्व एग्जांपल्स है, पहले हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे। दो सॉल्व एग्जांपल्स है एंड प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपको 4 क्वेश्चन है। ऑल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू कवर इट, सो प्लीज़ पे अटेंशन एंड डू द सम। ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएंगे, इट इज़ श्योरली इट विल कम फॉर 3 or 4 marks, I am telling you. Fine? Okay, now our first equation is 4 upon x plus 5 upon y equal to 7, and second equation is 3 upon x plus 4 upon y equal to 5. First हम इसको adjust करेंगे, कैसे करना है। 4 बाहर ले लेंगे, तो 4 उधर ले लिया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 upon x plus 5 into 1 upon y equal to 7. This will be your first equation. Fine? देन सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 × 1 upon x प्लस 4 × 1 upon y इक्वल टू 5। दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ हमें यहाँ दोनों में 1 upon x एंड 1 upon 5 कम, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट एनी लेटर यू कैन यूज। सब्स्टिट्यूट ए फॉर 1 upon x एंड बी फॉर 1 upon y, ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया। फाइन, यू कैन यूज m और n ऑल्सो, एनी थिंग यू कैन यूज। आपको टेक्स्ट बुक में m और n दिया है, बट आधे सब से उन्होंने कुछ दिखाई नहीं है, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी थिंग, प्लीज पे अटेंशन। फाइन, अब जब हम लोग a 1 upon x के लिए, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, 4a प्लस 5b इक्वल टू 7। इसको आप 3 दे देना एंड इट विल बी 3a प्लस 4b इक्वल टू 5, गिव इट 4। ओके, नाउ यू आर, अगर आप देख रहे हो दोनों में जो है कॉमन कुछ नहीं है कट करने के लिए, सो हम या तो b को चेंज कर सकते हैं या तो a को चेंज कर सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 4, ओके, एंड इक्वेशन 4 by 5, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई तो ये 20 हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 20। तो ऐसे करके हमें सेम नंबर मिलेंगे। देन व्हाट विल हैपन, इक्वेशन 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिल जाएगा, 16a प्लस 20b इक्वल टू 4 × 7 = 28, गिव दिस इक्वेशन 5। फाइव, एंड देन वेन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 by equation 4 क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15a प्लस 20b इज इक्वल टू 5 × 5 = 25। दिस वे यू आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 6। नाउ सबके साइन सेम है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। फाइन, यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो क्या इक्वेशन नंबर 5 है हमारा, 16a प्लस 20b इक्वल टू 28, एंड इक्वेशन 6 इज 15a प्लस 20b इज इक्वल टू 25। तो मैंने आपको वैसे भी पहले बताया, जब 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का जो इक्वेशन है उसके पूरे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो गया, दिस विल माइनस एंड दिस इज माइनस, क्योंकि सब पॉजिटिव है। सो 28 माइनस 25 इज हाउ मच, 3 इज इक्वल, ये तो कट हो गया, 0 हो गया, एंड 16 माइनस 15 इज व्हाट, 1। तो ए इज इक्वल टू 3, आपको ए क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब इसकी वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। फाइन,
सो वेन यू आर गोइंग, वॉट इज इक्वेशन 3? इट इज 4a प्लस 5b इज इक्वल टू 7. देयरफॉर 4 इंटू 3 प्लस 5b इक्वल टू 7. सॉरी, सो 4 3 इज वॉट 12 प्लस 5b इज इक्वल टू 7. देयरफॉर 5b इज इक्वल टू 7. 12 वहां गया, माइनस हो गया, माइनस 12. देयरफॉर 5b इक्वल टू 12 से 7 माइनस करो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा. 12 नंबर इज बिग, उसको साइन क्या है, माइनस का, पुट नेगेटिव साइन हियर, माइनस 5. देयरफॉर बी इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, 5 वन ज़ा 5. देयरफॉर बी इक्वल टू व्हाट यू गॉट, माइनस 7. आपको बी क्या मिल गया, माइनस 1. नाउ हमने क्या बोला था, ए किसको है, 1 अपॉन एक्स को इक्वल है, और हमें ए क्या मिला, दैट इज इक्वल टू 3. फाइन, सो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर सी इट विल बिकम 3x इक्वल टू 1 हो जाएगा. देयरफॉर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3. दिस वे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है. 3 इंटू एक्स इज 3x, 3x इक्वल टू 1 हो गया ये. हाँ, देयरफॉर आपने 3 यहाँ मल्टीप्लाइड, उसको वहाँ शिफ्ट किया तो क्या हो गया, डिवाइजन हो गया. तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1 अपॉन 3. वैसे ही हम बी के लिए भी करेंगे. b इक्वल टू क्या बोला था हमने, 1 अपॉन y, और b क्या मिला है हमें, माइनस 1 मिला है. देयरफॉर y इंटू 1 इज y, y इंटू माइनस y हो जाएगा ये. तो हम माइनस y वहाँ तो लिखते नहीं है ना, देयरफॉर ये ठीक है, मैं आपके लिख लिख दूँ, माइनस y इक्वल टू 1. देयरफॉर y इक्वल टू माइनस, आप वहाँ शिफ्ट कर दो, y क्या मिल गया आपको, माइनस 1. ये आपका आंसर है. लास्ट में आप आंसर लिख देना. आई एम राइटिंग, गोइंग टू राइट हियर ओनली, आई एम गोइंग टू कंप्लीट हियर ओनली. आंसर, वॉट आर द वैल्यू, एक्स एंड वाई इक्वल, एक्स इज 1 अपॉन 3 एंड वाई इज माइनस 1 इज द सॉल्यूशन. होप आपको समझ में आया हो सब, ठीक है. Please take a screenshot of this, then we'll proceed to next sum. Now, what is our example number 2? क्या दिया है example 2 में? 4 upon x minus y plus 1 upon x plus y is equal to 3 and 2 upon x minus y minus 3 upon x plus y equal to 5. Okay, now what we will do, it will become 4 into 1 upon x minus y plus 1 bahar le lo, kuch le lo, koi problem nahi hai, into 1 upon x plus y, bahar 1 le lena, equal to 3. This will be your first equation, and second equation will be 2 into 1 upon x minus y minus 3 into 1 upon x plus y equal to 5. This is your second equation. Fine. Now we are going to substitute m, n, x, y, जो भी आपको substitute करना है in value, 1 upon x minus y को और 1 upon x plus y को substitute कर दीजिए, ठीक है. So we will substitute. क्या करेंगे, m फॉर 1 अपॉन x माइनस y एंड n फॉर 1 अपॉन x प्लस y, ठीक है. हमने इनके लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 4m प्लस n इक्वल टू 3, इसको आप थर्ड इक्वेशन दे दो, एंड 2m माइनस 3n equal to 5, give it 4 equation. Now as you see, again यहाँ कुछ भी सेम नहीं है, तो we will multiply equation 3 by 3. तो ये 3 बन जाएगा, प्लस और माइनस से डायरेक्ट ऐड करेंगे, हम आंसर फाइंड कर देंगे. सो नाउ वॉट आई एम गोइंग टू डू, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 करेंगे. फाइन,
सो व्हाट विल बिकम, ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3 4 इज 12, 12 m प्लस 3 × 1 = 3। ओके, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई तो हम क्या मिला, 3 4 = 12, 3 × 1 = 3 एंड 3 3 = 9। दिस विल बी योर फिफ्थ इक्वेशन। फाइन, अब हम क्या करेंगे, एड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 4 को हम ऐड करेंगे। फाइन, एड इक्वेशन 5 एंड 4। सो व्हाट इज योर इक्वेशन 5, 12m प्लस 3n इक्वल टू 9 एंड फोर्थ इक्वेशन इज 2m माइनस 3n इक्वल टू 5। ऐड करना है हमें तो 9 प्लस 5 इज व्हाट, 14। हाँ, ये तो चला गया, 0 हो गया, एंड 12 प्लस 2 विल बी 14m। सो हमें क्या मिल गया, m इक्वल टू 14 अपॉन 14, 14 वन ज़ा इज 14। सो देयरफॉर आपको m क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब m की जो वैल्यू है 1, वो हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट m इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, सॉरी मैंने देखा नहीं यहाँ लाइन कंटिन्यू रहा था, देयरफॉर क्या इक्वेशन है हमारा, 4m प्लस n इक्वल टू 3, देयरफॉर 4 × 1 प्लस n इक्वल टू 3, 4 × 1 = 4 प्लस n इक्वल टू 3, देयरफॉर n इक्वल टू 3, 4 वहाँ गया, माइनस हो गया, 3 − 4, देयरफॉर n इक्वल टू −1। हमें n क्या मिला, −1, और m क्या मिला, 1। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आपको ना। अब हमने क्या बोला था, m किसके लिए इक्वल है, बट m इज इक्वल टू 1 upon x minus y, हाँ इट इज इक्वल टू व्हाट, देयरफॉर 1 upon x minus y इक्वल टू 1, देयरफॉर x माइनस वाई, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 से, x माइनस वाई हो गया इक्वल टू 1। ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, इसको आप दे दो 6th इक्वेशन। वैसे ही हम, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर, मैंने यहाँ लाइन बना देना है और ये सम यहाँ से आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है, और क्या बोला था हमने, n किसको बोला था, n इक्वल टू 1 upon x plus y, देयरफॉर 1 upon x plus y किसको इक्वल है, −1 को, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, देयरफॉर मैं बता देती हूँ कैसे होगा, −1 × x + y इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 × x इज x, −1 × + इज, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाइड है, इसको हम यहाँ भेज देंगे। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, तो x + y इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, −1। गिव इट इक्वेशन नंबर 7। अब ये दोनों इक्वेशन को अगेन हमें क्या करना है, प्लस करना है। ऐड इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, देन व्हाट इज इक्वेशन 6, x − y इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 7 इज x + y इक्वल टू −1। हमने ऐड किया, सो क्या मिल गया हमें, 1 − 1 = 0। फाइन, ये तो पूरा चला गया, एंड x + x इज 2x, देयरफॉर x इक्वल टू 0 upon 2, 2 0 = 0, आपको x क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यही वैल्यू आप इसमें कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। हाँ, देन सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 6। व्हाट इज अवर इक्वेशन 6, x − y इक्वल टू 1, देयरफॉर 0 − y इक्वल टू 1, देयरफॉर −y इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू −1। y हमें क्या मिल गया, −1। आया आपको समझ में सबको? अब लास्ट में हमने आंसर लिखना है, मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ, देन प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। फाइन, आंसर x, y, x क्या मिला है हमें, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज −1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फाइन, प्लीज़ एग्ज़ाम में आप ना दूसरे पेज पर करना,
फाइन, एग्जाम में दूसरे पेज में करते जाओ। टेकन स्क्रीन शॉट। ओके, नाउ द नेक्स्ट सम इज एक्टिविटी बेस्ड सम। यहाँ आपको बॉक्स फिलअप करना है। मैं आपको इसकी जो सॉल्विंग है वो नीचे दिखाते जाऊँगी, प्लीज़ ध्यान देना उसका। सो व्हाट इज़ अवर फर्स्ट इक्वेशन? फाइव अपॉन माइन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू इज इक्वल टू टू एंड सिक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस थ्री अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू वन। तो क्या किया इन्होंने, रिप्लेस किया वन अपॉन एक्स माइनस वन को एम से रिप्लेस किया एंड वन अपॉन वाई माइनस टू को एन से रिप्लेस किया। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइव एम प्लस एन इक्वल टू टू। फाइन, दिस विल बी आवर इक्वेशन, फाइव एम प्लस एन इक्वल टू। ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी लिख के दिया, सिक्स एम माइनस थ्री एन इक्वल टू वन। नाउ एज यू सी दिस इक्वेशन, हमें यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो हम ये इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ नीचे सॉल्विंग कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दीजिए आप लोग। मल्टीप्लाई, आपके कन्वीनियंस के लिए मैं लिख देती हूँ इसको, इक्वेशन वन लिख देती हूँ, ये इक्वेशन टू है। ठीक है, मैं कर रही हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय थ्री। तो हमारा इक्वेशन वन थ्री से मल्टीप्लाई, थ्री फाइव इस पर फिफ्टीन एम प्लस थ्री एन इक्वल टू टू एंड दैट सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, सिक्स एम माइनस थ्री एन इक्वल टू वन। हम इनको इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हम इनको जब ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, फाइन ऐड करो इसको, टू प्लस वन इज थ्री, ये तो चला गया एंड क्या हो जाएगा, फिफ्टीन एम प्लस सिक्सटीन इज वॉट, ट्वेंटी वन एम। देयरफॉर आपको एम क्या मिल गया, थ्री अपॉन ट्वेंटी वन, थ्री अपॉन सो ट्वेंटी वन। अरे मैंने इसको किया ही नहीं, ये सिक्स हो जाएगा ना गाइस, सिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए हो जाएगा सेवन हो जाएगा। तो सेवन अपॉन ट्वेंटी वन, सेवन वन ज़ा सेवन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन। तो आपको एम क्या मिल गया, वन अपॉन थ्री। हमें एम क्या मिल गया है, वन अपॉन, तो हमें एम क्या मिल गया, एम इक्वल टू वन अपॉन थ्री मिल गया। हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, नेक्स्ट पेज में करती हूँ। सब्स्टिट्यूट, एम इक्वल टू वन अपॉन थ्री किस में करेंगे, जो हमें फिफ्टीन एम प्लस थ्री एन मिला इसमें करेंगे। ठीक है, फिफ्टीन एम प्लस थ्री एन इक्वल टू सिक्स। सो फिफ्टीन इंटू वन अपॉन थ्री प्लस थ्री एन इक्वल टू सिक्स, थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन, फाइन देयरफॉर फाइव प्लस थ्री एन इक्वल टू सिक्स, देयरफॉर थ्री एन इक्वल टू सिक्स माइनस फाइव, देयरफॉर थ्री एन इक्वल टू क्या मिल गया हमें, वन, देयरफॉर एन इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अब हमको एम भी वन अपॉन थ्री मिल गया और एन भी क्या मिल गया, वन अपॉन थ्री। तो ये बॉक्स में हम क्या करेंगे, वन अपॉन थ्री एंड एन इज इक्वल टू ऑल्सो वन अपॉन थ्री, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी रिप्लेस करना है हमें, वन अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन अपॉन थ्री एंड यहाँ पर क्या जाएगा, ये बॉक्स में आएगा वन अपॉन वाई माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन थ्री। अब इनको इससे रिप्लेस करना है, अगेन हमारा इक्वेशन बनेगा। मैं पीछे स्टार्ट करती हूँ करना, आप ध्यान दीजिए। नो क्या बोला हमने, वन अपॉन एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन थ्री को सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरा है वन अपॉन y माइनस टू इक्वल टू वन अपॉन थ्री, दोनों को ही हमको वन अपॉन थ्री सब्स्टिट्यूट करना है। तो थ्री वन ज़ा थ्री और x माइनस वन इक्वल टू थ्री मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू थ्री वन ज़ा थ्री, ये इक्वेशन मिल गया और यहाँ भी ये हो जाएगा, देयरफॉर y माइनस टू इक्वल टू थ्री इस तरीके से हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू थ्री, माइनस वन वहाँ गया तो प्लस हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू व्हाट, फाइव हो गया। एक्स क्या मिल गया हमें, सॉरी स्टूडेंट इट इज़ वन, मैंने टू लिख दिया, यहाँ का देख के वहाँ ध्यान चला गया मेरा, इट्स सॉरी, आई एम सॉरी, रियल सॉरी। और यहाँ क्या हो गया आपका, देयरफॉर वाई इक्वल टू थ्री, टू वहाँ गया तो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर वाई इक्वल टू
5। तो x क्या मिल गया हमें 4 एंड y क्या मिल गया 5। तो आपका आंसर जो है x और y क्या है 4 एंड 5, वो हम इधर बॉक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। होप आपको समझ में आया हो ये एक्टिविटी। सो हमें x क्या मिल गया 4 मिल गया एंड y क्या मिल गया 5। अवर आंसर इज 4 एंड 5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये वर्किंग मतलब इधर ले लो, नेक्स्ट पेज भी दिखाती हूँ उसका भी ले लीजिए आप लोग। नाउ विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 का मैं आज 1 और 2 क्वेश्चन कोशिश करूँगी, जमा तो सब ले लूँगी बट विल ट्राई जितना हो सके। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.4। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन देयर? ये इजी वन है। 2 upon x minus 3y = 15 एंड 8 upon x plus 5y = 77। सो ये क्या हो जाएगा, 2 into 1 upon x minus 3 into 1 upon y = 15। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो एंड सेकेंड इक्वेशन इज 8 into 1 upon x plus 5 into 1 upon y = 77। गिव इट सेकेंड इक्वेशन। नो अगेन आप इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट a फॉर 1 upon x एंड b फॉर 1 upon y। फाइन, सो व्हाट विल बी अवर इक्वेशन? इट विल बी 2a minus 3b = 15। ये आपका थर्ड इक्वेशन बन गया एंड 8a plus 5b = 77। दिस विल बी योर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, नाउ जैसा कि आप देख रहे हो 2 के टेबल में 8 आता है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4, तो इट विल बिकम 8a minus 4 3 = 12b = 15 4 = 60। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन बन गया है। अब दोनों प्लस है साइन यहाँ का, हम इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 आप ऊपर लिख लो, 8a plus 5b = 7 दिस इक्वेशन 4 एंड और फिफ्थ इक्वेशन क्या मिला है, 8a minus 12b = 60 दिस इज योर फिफ्थ इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्ट करना है, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है ये प्लस है माइनस हो गया। तो 8a चला गया, 77 minus 60 करना है, 7 minus 0 is 7, 7 minus 6 is 1 और 5 plus 12 किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 17b। therefore b = 17 upon 17, 17 ones are 17, therefore b = 1। हमें b क्या मिल गया, 1 मिल गया। आप इस इक्वेशन को कहीं भी सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट b = 1 इन इक्वेशन 3 में करते हैं। सो अब इक्वेशन 3 इज 2a minus 3b = 15, therefore 2a minus 3 into 1 = 15, therefore 3 ones are 3 = 15, therefore 2a = 15 minus 3, वहाँ गया प्लस हो गया, therefore 2a = 15 plus 3 is 18, therefore a = 18 upon 2, 2 nines are 18। यू गॉट वैल्यू, देयरफॉर a = क्या मिल गया हमें, 9 मिल गया। अब a 9 मिल गया है, b 1 मिल गया है, हम क्या करेंगे, अब जिसको हमने रिप्लेस किया था वहाँ उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई एम डूइंग हियर ओनली गाइस स्टूडेंट। सो रीसब्स्टिट्यूटिंग या रीप्लेस जो भी आपको लिखना लिख सकते हो, द values of a and b, so therefore क्या मिल गया, a क्या है 1 upon x है, a क्या मिला है हमें 9 मिला है।
ठीक है। देयरफॉर कैसा हो जाएगा ये, 1/x = 9, देयरफॉर 9x = 1, देयरफॉर x = 1/9, ठीक है। वैसे ही बी का भी हम करेंगे, b = 1/y, that is equal to 1, हाँ तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो 1 ही मिल जाएगा ना। देयरफॉर 1/y = 1, y 1 = y, देयरफॉर y = क्या मिल गया, 1। तो हमें x और y की वैल्यू क्या मिल गई, 1/9 and 1। आंसर में लिखना है आपको x, y = 1/9 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नो सेकेंड सम करके मैं स्टॉप करूंगी, और जो बाकी के दो सम हैं और नेक्स्ट ऐसे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हम कल सॉल्व करेंगे। ओके, नो सेकेंड क्वेश्चन इज 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y - 5/x - y = -2। ये जो सम है हमारा सेकेंड सॉल्व एग्जांपल जो किया उस तरीके का सम है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 10 × 1/x + y + 2 × 1/x - y = 4, गिव इट 1, एंड देन 15 × 1/x + y - 5 × 1/x - y = -2, गिव दिस इक्वेशन 2। हम लोग आपको जो मर्जी हो आप वो लेटर यूज़ कर सकते हो, ये तो ए और बी ही यूज़ कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट एम फॉर 1/x + y एंड एन फॉर 1/x - y, सो इट विल बिकम 10a + 2b = 4, ये इक्वेशन 3 हो गया, एंड 15a - 5b = -2, इक्वेशन 4 हो गया। नाउ एज यू सी हियर, अभी ये कोई भी नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो हमें दोनों इक्वेशन को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटर हम क्या करेंगे, इनको 10 बना देंगे, 2 5 10 एंड 5 2 10, तो इक्वेशन 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो एंड इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 5 एंड इक्वेशन 4 by 2, सो अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 50a + 10b = 20, गिव इट 5, एंड ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, 15 × 2 = 30a - 10b = 2 × 4 - 4, दिस इज़ योर 6th इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। सो व्हाट इज़ अवर इक्वेशन 5, 50a + 10b = 20 + 30a - 10b = -4, ये कट हो गया, 20 - 4 = 16, 20 नंबर बड़ा इसके लिए पॉजिटिव हो गया, एंड 50 + 30 इज़ व्हाट, 80a, therefore a = 16/80, 16 × 1 = 16, 16 × 5 = 80, तो आपको a क्या मिल गया, 1/5, हमें a क्या मिल गया, 1/5। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो कोई भी इक्वेशन में, सब्स्टिट्यूट a = 1/5 इन इक्वेशन 3, ठीक है। देखो 5 × 2 = 10 कट हो जाएगा, देयरफॉर क्या है हमारा इक्वेशन 3, 10a + 2b = 4, देयरफॉर 10 × 1/5 + 2b = 4, 5 × 2 = 10, आपको मिल गया 2 + 2b
इक्वल टू 4. देयरफॉर 2b इक्वल 4 माइनस 2. 4 से 2 माइनस किया आपने तो क्या मिल गया आपको, 2b इक्वल टू 2. देयरफॉर b इक्वल टू 2 अपॉन 2. 2 वन ज़ा 2, सॉरी. देयरफॉर b इक्वल टू 1. हमें a 1 अपॉन 5 मिल गया, b 1 मिल गया. इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों का? प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब मैं नेक्स्ट पेज में सम करती हूँ वो बाकी जो है. फाइन. सो हमने ए किसके बदले में रिप्लेस किया था, अब रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. रीसब्स्टिट्यूटिंग सॉरी स्टूडेंट, मैंने यहाँ एम और एन लिखा और मैं ए और बी बोल रही हूँ, तो ए और बी ही कर देते हैं इसको. सॉरी, होप यू अंडरस्टैंड, मेरा भी फर्स्ट टाइम है. सो रीसब्स्टिट्यूटिंग ए इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. ठीक है, a इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, आपको a का वैल्यू क्या मिला, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 5. देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन 5. 5 यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो आपको एक्स प्लस वाई क्या मिल गया, 5 मिल गया. यू गॉट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5. वैसे यहाँ b का भी यही कर लेंगे, b इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1. देयरफॉर 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 1 मिल गया. इस इक्वेशन को आप 7 दे दो, इसको आप 8 दे दो. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8. तो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है और ये है x माइनस वाई इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन 7 एंड दिस इज इक्वेशन 8. तो ये तो चला गया, 5 प्लस 1 इज 6, x प्लस x इज 2x. देयरफॉर x इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 ज़ा 6, देयरफॉर x इक्वल टू 3. अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7. तो आपका इक्वेशन 7 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, देयरफॉर वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर वाई इक्वल टू 2. तो एक्स हमें 3 मिला, वाई क्या मिल गया, 2 मिल गया. आंसर लिखना है एक्स वाई इक्वल 3 एंड 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, होप आपको ये समझ में आएगा. बाकी के तो दो समय हम कल कंप्लीट कर लेंगे और आगे कुछ सम्स भी करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम सम्स. ओके, टेक केयर, बाय.